हेलो फ्रेंड, सभी को राधे राधे। और ये मेरा आज का ब्लॉग है, तो आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है फिर से। अभी मैं ये खा रही हूँ, देखिए जो मैंने बनाई थी तो बढ़िया। ये बर्गर दे देखो कितने टेस्टी, बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अपने बेसन ला लिया, हम अपने हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो 2-3 दिन का वीडियो मिक्स है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं सोकर उठी हूँ, और आप लोग देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी को राधे राधे। मैं अभी सोकर उठी हूँ और अभी बज गए हैं 10:25। आप देख सकते हैं मेरी तबीयत ख़राब चल रही है बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी कि चलो अब मैं ठीक हो गई हूँ, बट सावित्री व्रत वाले दिन ना मैं सही थी थोड़ी सी, और फिर उसी दिन दोपहर से मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, और इससे मुझे चलने फिरने में भी परेशानी हो रही है। तो वीडियो मैं कंटिन्यू रखूँगी, आप लोग बने रहिए वीडियो में, और आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर कर दिया करें। अभी बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही चले, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में। रात में भी परेशानी हो रही थी, लाइव करने के बाद भी, लाइव करते टाइम ना बैठा नहीं जा रहा था मुझसे, लेकिन मुझे करना है, बहुत ज़रूरी था। तो आगे वीडियो में आप लोग बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोकर उठ गई थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, तो मैं दोबारा सो गई थी, और मैं उठी अभी 1 बजे सोकर, और मैंने नहाया और खाना वाली को इन्होंने बुला लिया था, उसने खाना बना दिया था, सब्जी है, रोटी है, और मैं खाना खा रही हूँ। तो आगे आप लोग बने रहिए वीडियो में, खाना खा रहे हैं और खा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी रश्मि सोनी, और हम लोगों का खाना हो गया था, खाना वाली ने खाना बना दिया था। खाना वगैरह होने के बाद शिवांश इधर खेल रहा था अपनी गाड़ी से, और मैं बैठी थी, क्योंकि आज मैंने बहुत सो भी लिया था, तबीयत ख़राब थी इस वजह से, तो मुझे दोपहर में भी नींद नहीं आ रही थी। और शिवांश अपनी गाड़ी से, देखो उसने गाड़ी कैसे तोड़ दी है, और ये कोई भी टॉयस हो बिना तोड़े नहीं रहता है लड़का, हर टॉयस तोड़ता है, और अभी मेरे पास बैठकर मुंह बना रहा है। और ये जो सामने स्टूल रखा है टूट गया है, इसमें शिवांश क्या करता है अपने टॉयस भर कर रख देता है सारे, और जब उसको खेलना होता तो निकाल लेता है, नहीं खेलना तो सुई में डाल देता है। तो आप लोग देख सकते हैं उसका उदम। और मैं इनसे बात कर रही थी, यानी कि शिवांश के पापा जी से, वो कहीं जा रहे थे ना तो मुझसे बात कर रहे थे। और मैं सच बताऊँ, मेरी बहुत 5-6 दिन हो गए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, और मुझसे ना बैठते बन नहीं रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण। तो मैं यहाँ ज़मीन में लेट गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो धरती पर लेटना अच्छा लग रहा है, तो मैं नीचे ही लेट गई थी। और इधर बच्चे खेल रहे हैं कैरम, शिवांश और अपर्णा, और ये लोग ना खेलते कम है, लड़ाई बहुत करते हैं, इतना लड़ते हैं हर एक बात पर। अपर्णा भी इतनी बड़ी हो गई है ना, तब उसके बाद भी वो लड़ाई करती है उससे, और एक दूसरे के बिन रहते भी नहीं है, कहीं कोई चले जाए ना एक में से, दोनों में से एक चला जाता है ना तो रह नहीं पाते हैं दोनों। देखो लड़ाई होने लगी, बस थोड़ा सा भी खेला ही है इन लोगों ने, लड़ाई होने लगी।
तो आप लोग देख सकते हैं मैं इधर लेटी हूँ और अब मेरा सोने का भी मन नहीं हो रहा है और दर्द मुझे बहुत ज़्यादा है पेट में, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं लेटी हूँ और बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। अगर तबीयत सही रहती ना तो कुछ ना कुछ काम करती मैं घर के, लेकिन मैं क्या बताऊँ कि मेरा ना तो मेरा काम हो पा रहा है और ना मैं सो रही हूँ। सो जाती तो ठीक रहता, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का वीडियो, वो मेरा कल का था, कल का पूरा रूटीन और ये आज का। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत सही है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे पेट में स्वेलिंग आ रही है और किस वजह से आ रही है वो मैं कभी आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं। तो आज मैंने दाल चावल सब आलू की सूखी सब्जी और पुदीना की चटनी बनाई है, कच्चा आम और पुदीना की चटनी बनाई है। रोटियां मैंने नहीं बनाई क्योंकि रोटियां जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलता है और मेरे इतने नहीं हो रही थी कंडीशन कि मैं रोटियां बना सकूं और उतना मैं फैलान समेटूं, तो इस वजह से ना रोटियां मैंने नहीं बनाई थी। शाम को बनाऊंगी अब रोटियां। तो मैंने दाल चावल सूखे आलू की सब्ज़ी और कच्चे आम की चटनी की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो इतना मैंने कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं। और सच बताऊँ मेरी हालत ना, मुझे ऐसी समस्या है कि मुझे जब जब चाय हो जाता है कुछ उसका टाइम नहीं रहता है कि मुझे कब होने, कभी भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। फिर मुझसे उठते भी नहीं बनता और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ जाती है, मतलब स्वेलिंग की वजह से ऐसा लगता है जैसे पेट में चुभन हो रही हो, खिंचाव सा होता है बहुत ज़्यादा। तो मुझसे बैठते उठते कुछ नहीं बनता है, खड़े होते। तो कभी ना कभी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी नहीं। लेकिन तो बस मैंने इतना ही खाना बनाया आज और रोटी बनाने की बाकी में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। ये तो मैंने थोड़ा सा बैठ गई फिर बना लिया, फिर बैठ गई फिर बना लिया, तो ऐसे मैं करती जा रही थी। और इधर मैं ये आम रख रही हूँ बॉयल करने, क्योंकि इनका बनना है पन्ना, आप लोग जानते हैं कच्चे आम का जो पन्ना बनता है खट्टा मीठा, वो बनना है। क्योंकि इस बार ना बहुत कम अचार भी नहीं डाला कच्चे आम को, जो नया नया अचार डालते हैं थोड़ा थोड़ा सा खाते वो भी नहीं डाला और ये पना भी नहीं बना। तो आम रखे थे जो गांव से आ गए थे आम, वो रखे थे ना, तो मैंने सोचा कि इनका पना बना दे। मैंने तो नहीं सोचा, ये फ्रिज में से लाकर इन्होंने रख दिए थे धुलकर, तो फिर मैंने उनको बॉयल करने रख दिए क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं है ज़्यादा काम करने की बिल्कुल भी, और ज़्यादा कर लूँगी ना तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उतना कर लिया जितना ज़रूरी था, साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि कल पूरा दिन मैं लेटी रही तो घर में भी बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो आज थोड़ा आराम लगा तो सुबह से उठकर मैंने सारे काम निपटा लिए थे और नहाकर जब आए ना तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सच बताऊँ रोटी बनाने की। तो फिर मैंने कहा कि दाल चावल, और मैं सच बताऊँ दाल चावल सिंपल मुझसे नहीं खिलता है, उसके साथ मुझे सलाद चटनी तो चाहिए चाहिए और सब्ज़ी, और सब्ज़ी ना हो तो सलाद चटनी ज़रूर चाहिए। पर अभी मैं बैठी हूँ और अब मैं जा रही हूँ शाम को पत्ते से आते हैं और उसके बाद मैं बनाऊँगी सॉफ्ट मीडियम, फिर बनाऊँगी खाना। तो क्योंकि अभी खाना में टाइम है, खाना तो मेरे उसके बीच में होता है इस वजह से। हेलो फ्रेंड्स, आज रात के खाने में बनी है आलू की सब्जी, पूड़ियाँ और सलाद। आप लोग देख सकते हैं पूड़ियाँ बन रही हैं, ये आलू की सब्जी बन गई है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। सभी को राधे राधे।